पौराणिक काल की बात है, उस समय भारतवर्ष में चारों ओर ज्ञान की बयार चला करती थी। वेदों का पठन पाठन देश का गौरव था। नित नए धार्मिक अनुष्ठान होते रहते थे। हवन की पवित्र अग्नि वातावरण को दिव्य शक्ति प्रदान करती थी। लोग सात्विक गुणों से परिपूर्ण बने रहते थे। उन्हीं दिनों भारत में एक महर्षि थे जिनका नाम वाज्रवा था। वे महान तपस्वी, विद्वान और चरित्रवान थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ कई दिनों तक चला। ऋषि के पुत्र नचिकेता ने इतना महान यज्ञ पहले कभी न देखा था। अभी उसकी आयु 7 वर्ष थी और नित नए यज्ञ देखना और उनमें सम्मिलित होना उसकी दिनचर्या थी। उसके पिता इतना महान यज्ञ करवा रहे हैं, इस बात से वह बड़ा आनंदित था। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वाज्रवा ने सहस्रों गायें ब्राह्मणों को दान दी। वे सभी गायें बूढ़ी, दुर्बल व जर्जर थीं, जो मात्र हड्डियों का ढांचा दिखाई देती थीं। नचिकेता यह सब देख रहा था। उसने सोचा, जब गायें इस योग्य नहीं है कि दूध दे सकें और ब्राह्मणों के किसी काम आ सकें, तब उनका दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिता अपनी समस्त संपत्ति का दान कर रहे थे, अतः गायों की तरह स्वयं को भी पिता की संपत्ति मान उसने पिता से पूछ ही लिया, पिताजी क्या आप अपना सब कुछ दान कर देंगे? महर्षि वाज्रवा ने समझा कि बालक यूं ही प्रश्न कर रहा है। वे अपने कार्य में लगे रहे। नचिकेता ने फिर प्रश्न पूछा। इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछने पर पिता गंभीर हो गए और बोले, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नचिकेता ने कहा, पिताजी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दान में दी जा रही ये गायें इस योग्य नहीं कि ब्राह्मणों का कुछ हित कर सकें। वे दूध देने योग्य नहीं हैं। आपके ही अनुसार यज्ञ में देवताओं को अपनी प्रिय वस्तु ही अर्पित करनी चाहिए, जो सुंदर हो, समर्थ हो और मूल्यवान हो। गायें सबल और समर्थ होती तब तो ठीक था। मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? उसके प्रश्नों से महर्षि झल्ला गए थे। क्रोध में बोली, मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। नचिकेता आज्ञाकारी पुत्र था। पिता की इच्छा को सत्य मान वह चल दिया स्वयं को यमराज को देने के लिए। वह यम को खोजता हुआ उनके निवास तक जा पहुंचा। यम वहाँ नहीं थे। यम की पत्नी ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसने वहीं रहकर उपवास करते हुए यम की प्रतीक्षा की। 3 दिन पश्चात यम लौटे। उनकी पत्नी ने उनसे नचिकेता के विषय में बताया, यह ब्राह्मण पुत्र 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षारत रहते इसने भोजन भी नहीं किया। यमराज नचिकेता के धैर्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं जब लोगों को अपने पास बुलाता हूँ तो वे कठिनाई से मेरे पास आते हैं। किसी को भी मेरे पास आने का साहस नहीं होता। तुम अबोध बालक हो, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। असमय क्यों मेरे पास आने की तुम्हारी इच्छा हुई? नचिकेता बोला, मैं तो पिताजी की आज्ञा से आया हूँ और मेरे लिए उन्हीं की आज्ञा सर्वोपरि है। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यमराज बोले, मेरे यहाँ वही आता है जिसकी आयु समाप्त हो जाती है। यमराज की बात सुनकर नचिकेता बोला, जब पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है तब उसका मर्म वे ही जानते होंगे। मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। यमराज नचिकेता की पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। 3 दिन तुमने मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने कहा, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और यहाँ से लौटने पर वे मुझे पहचान लें, मुझ पर प्रसन्न रहें।
यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा। आप वह विद्या जानते हैं जिसकी साधना करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि वह विद्या आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो जाए। यम ने बड़े परिश्रम से नचिकेता को यज्ञ करना सिखाया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। नचिकेता ने कहा, भगवान बताइए, मृत्यु क्या होती है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? यह सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, जो बात इतनी दुरूह है कि बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों की समझ में नहीं आती, उसे यह बालक क्या समझेगा? वे बोली, संसार की जो चाहे वस्तु मांग लो, किंतु यह प्रश्न न पूछो। नचिकेता बोला, हे देव, मुझे तीन वरदान देने की अपनी प्रतिज्ञा आप पूरी करें। हे देव, मैं केवल मृत्यु के विषय में जानना चाहता हूँ। अंत में यमदेव ने जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया और नचिकेता ने इसे बड़े ध्यान से सुना। यह वृतांत कठोपनिषद में वर्णित है। मृत्यु का रहस्य जानकर नचिकेता घर लौट आया। पिता नचिकेता को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गदगद